Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई, इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे, वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज, जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की, फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली, इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रासरूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे, आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला, इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable